मुंबई यूनिवर्सिटी फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ ट्वेंटी जैसे कि हमें जय हिंद में भी हो गया यूपी जी में भी हो गया अब एडमिशन किस में लेना चाहिए सो आई डेफिटली आंसर दिस क्वेश्चन अब स्टूडेंट्स नॉट गॉट एडमिशन इन द डिजायर्ड कॉलेज बट बैकअप कॉलेज में हो गया तो क्या करना चाहिए एडमिशन लेना चाहिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना चाहिए गाइज आई गिव यू आंसर ऑफ दिस एज वेल यू गायज है वीडियो टिल द बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन

आई वुड सजेस्ट गज प्लीज सिक्योर योर एडमिशन अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में चांस है बट वो चांस फ्रजाइल होगी द रीजन इज कॉलेजेस लाइक जय हिंद ने क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि अगर सेकेंड लिस्ट नीडेड होगी तभी आएगी नहीं तो सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी नाउ टॉकिंग अब द अदर कॉलेजेस जिनका मेरिट गया सेवेंटी एंड ऑल तक उनका मेरिट और नीचे जाएगा बिकॉज कैंसलेशन वगैरह होगी बैकअप कॉलेज के चलते सो यू कैन भी होपफुल अगर एक या दो परसेंट का गैप है तो सेकेंड लिस्ट के लिए रुको

ज़्यादा डिसेंट्रलाइज वे में फंक्शन करते हैं तो ऑटोनॉमस कॉलेज अपना ओन कैंसलेशन प्रोसेस रख सकते हैं सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू पर्सनली चेक ऑन देयर वेबसाइट देयर कैंसलेशन पॉलिसी एज वेल नाउ सेकेंड क्वेश्चन कि मैम मेरा जय हिंद में भी हो गया है जेवियस में भी हो गया है यूपीजी में भी हो गया अब क्या करना है सो गाइज इसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया है आप लोगों को कि अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस चूज अ कॉलेज लाइक ऑल द कॉलेजेस हैव देयर ओन एडवांटेज ऑल द कॉलेजेस आर गुड बट वट आर यू एक्जेक्टली लुकिंग फॉर इफ यूर लुकिंग फॉर अ कैंपस लाइफ इफ यूर लुकिंग फॉर अ गुड प्लेसमेंट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड करिकुलम मतलब कोर्स काफी अच्छा डिजाइंड हैंगन आई वुड से जेवियस जय हिंद इज ऑल्सो इक्वली गुड बट जय हिंद इज क्वाइट फ्लेक्सीब

पे, आपके डांस क्लासेस, एक्टिंग क्लासेस, देन यू नो मॉडलिंग एजेंसी सारे सिटुएटेड हैं। सो यू कैन डिसाइड दैट वे बिकॉज वेन यू टॉक अबाउट कोर्स वाइज ऑल द थ्री कॉलेजेस आर डूइंग अमेजिंग नाउ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गॉट एनी वेयर आई नो यू गैज आर पैनिकिंग बट अभी मुंबई यूनिवर्सिटी वापस खुल गई है जैसे मैंने आपको समझाया था देर आर लॉर्ड ऑफ बैकअप कॉलेजेस दैट यू कैन स्टिल अप्लाई, स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाए थे आप मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री एनरोलमेंट भरो यू कैन ऑफलाइन विजिट कॉलेजेस एंड आस्क वेदर दे हैव दीट ऑन हो देर आर एम्पल ऑफ कॉलेजेस हु आर एंटरटेनिंग स्टूडेंट ऑफलाइन तो एक बार ऑफलाइन इंक्वायरी करके आ जाओ अगर वो कहते हैं कि ऑनलाइन सारी चीजें करना है सो गो एंड डू इट ऑनलाइन ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर एडमिशन सो एचआर के सी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन सारा प्रोसेस कर सकते हो एडमिशन कन्फर्मेशन करा सकते हो बट इफ यू टेक एडमिशन इन मुंबई यूनिवर्सिटी ऑल द मेड इट मैंडेटरी जैहि ने अपने नोटिस में दे दिया है तो आपको कॉलेज जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑफलाइन सबमिट करने है फीस पेमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन लिंक पे करना है बट डॉक्यूमेंटेशन जो है चाहे वो फिर जेवियर्स का हो जैहिंद का, का हो या एनी अदर कॉलेज थ मुटरीज एंड डू इट नाउ टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट हुई वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम डेट के बाद आएंगे तो चलेगा गैस लेट मी टेल यू बहुत रेयर चांसेस है दैट देटरटन यू यू विलव टू मेक श्योर दैट यू अराइव बिफोर द लास्ट डेट एंड कंफर्म यूर एडमिशन नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट कॉलेजेस कब से स्टार्ट होंगे तो फर्स्ट ईयर का जो एकेडमिक सेशन है वो जुलाई एंड से शुरू हो जाएगा सो आउट स्टेशन स्टूडेंट कैन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट तो अगर आप अपनी हॉस्टल बुकिंग करना चाहते हो तो ऑगस्ट मंथ से आप कर सकते हो लाइक like, जुलाई में एक वीक अगर आपका कॉलेज छूटता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज कॉलेजेस विल स्टार्ट इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई ओनली बिकॉज मिड जुलाई तक आपके थर्ड लिस्ट लगेंगे फिर एडिशनल लिस्ट वगैरह वगैरह सो प्रॉपरली कॉलेज विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट बट आप आपकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से ये सकते हो कि जुलाई एंड में आपके कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे आई होप गज ऑलमोस्ट यू हैव गॉट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ आफ्टर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको क्या करना चाहिए अभी मुंबई यूनिवर्सिटी ट्वेंटी सेवन तक ओपन है फॉर द प्री एनरोलमेंट बट कॉलेजेस के फॉर्म उनके ऊपर है कि वो ओपन करेंगे कि नहीं फॉर द न्यू एप्लीकेशन सो यू विल हैव टू पर्सनली चेक ईच एंड एवरी कॉलेज का वेबसाइट सो वट एवर अपडेट इज पॉसिबल फ्रॉम आर एंड लाइक कॉलेजेस के फॉर्म ओपन है विल कीप यू पोस्टेड वाई आर इंस्टाग्राम पोस्ट एंड कम्युनिटी पोस्ट मेक्योर दैट यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड कम्युनिटी पोस्ट चेक करते हैं